हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माधवीज किचन। आज मैं बनाने वाली हूँ एगलेस बटर स्कॉच केक। बहुत ही इजी केक है और ये हम बनाएंगे बिना ओवन के। आप देख ही सकते हैं इतना ब्यूटीफुल और सॉफ्ट स्पंजी केक हमारा बना है। बनाने में बहुत ही आसान है और एकदम बेकरी जैसा टेस्टी बनता है ये। तो दोस्तों, बिना देरी किए आइए झटपट स्टार्ट करते हैं बनाना ये बटर स्कॉच केक। ये रिक्वेस्टेड रेसिपी भी है, तो दोस्तों आई होप ये रेसिपी आपको पसंद आएगी। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना ये बटर स्कॉच केक। बटर स्कॉच केक बनाने के लिए पहले हम बनाएंगे प्रलाइन। तो इसके लिए एक प्लेट को हम ग्रीस करके रख लेंगे और अब हम एक पैन में लेंगे आधा कप चीनी। इसे हम लो मीडियम फ्लेम पर थोड़ी देर के लिए पकाएंगे जब तक कि चीनी जो है हमारी मेल्ट ना हो जाए। आप देख सकते हैं चीनी है जो हमारी, वो धीरे धीरे मेल्ट होना शुरू हो गई है। इसी तरह से हम इसे चलाते रहेंगे जब तक कि ये चीनी पूरी तरह से मेल्ट ना हो जाए। आप देख सकते हैं चीनी पूरी तरह से मेल्ट हो गई है। अब हम इसमें डाल देंगे आधा कप चॉप किए हुए आलमंड्स। आप चाहें तो आलमंड्स की जगह पे पीनट्स भी डाल सकते हैं। आलमंड्स को अच्छे से ये जो कैरेमल है इसमें मिक्स कर लेंगे। फ्लेम हम बिल्कुल लो रखेंगे। आप चाहें तो प्रलाइन में एक स्पून बटर भी डाल सकते हैं। मैं यहाँ बटर स्किप कर रही हूँ। तो ये देखिए कैरेमल अच्छे से आलमंड्स में मिक्स हो गया है। तो अब हम इसे तुरंत ट्रांसफ़र कर लेंगे ग्रीस किए हुए प्लेट में और इसे एक स्पून की सहायता से इस तरह से हम स्प्रेड कर लेंगे ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। बनाने का तरीका बिल्कुल वैसा ही है जैसे हम मूंगफली की चिक्की बनाते हैं। इसे हम ठंडा होने के लिए एटलीस्ट 30 मिनट के लिए रखेंगे ताकि ये सेट हो जाए। ये देखिए 30 मिनट के बाद ये हमारा जो प्रलाइन है ये सेट हो गया है। आप देख सकते हैं एकदम क्रंची हो गया है। तो अब हम क्या करेंगे, इसे हम इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लेंगे। तो ये देखिए इस तरह से हम तोड़ लेंगे और अब हम क्या करेंगे, ये प्रलाइन के पीसेस को हम इस तरह से क्रश करेंगे। हमें बिल्कुल बारीक क्रश नहीं करना है, हमें बस कोर्सली इसे क्रश करना है। इससे हम केक को डेकोरेट करेंगे। तो ये देखिए हमारा जो आलमंड प्रलाइन है ये रेडी हो गया है। इसे हम साइड में रखते हैं और अब हम केक टिन को ग्रीस कर लेते हैं। तो यहाँ मैंने 6 इंच डायमीटर का एक केक टिन लिया है। इसे अच्छे से इस तरह से ग्रीस कर लेंगे और इसमें लगा देंगे एक बटर पेपर जो मैंने सर्कल शेप में काट लिया है। अगर आपके पास बटर पेपर ना हो तो आप इसकी जगह इसे मैदा से डस्ट भी कर सकते हैं। इसे एक बार और ग्रीस कर लेंगे और इसे साइड में रखेंगे। आइए अब हम केक का बैटर बना लेते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम बटर मिल्क बनाकर रेडी करेंगे। तो इसके लिए मैंने लिया है एक बोल में आधा कप मिल्क और उसमें डालेंगे 1 टीस्पून विनेगर और इसे 10 मिनट के लिए साइड में रख देंगे। 10 मिनट के बाद हमारा बटर मिल्क रेडी हो गया है। इसे एक बार हम बीट कर लेंगे ताकि ये एकदम स्मूथ हो जाए। तो ये बटर मिल्क हमारा रेडी है। अब हम इसमें डालेंगे आधा कप पिसी हुई चीनी। नॉर्मल चीनी को मैंने यहाँ ग्राइंड कर लिया है और 1/4 कप हम इसमें डालेंगे बिना फ्लेवर का रिफाइंड ऑयल। आप इसकी जगह बटर भी यूज़ कर सकते हैं। और 1 टीस्पून हम इसमें डालेंगे बटर स्कॉच एसेंस और सारी चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसे तब तक मिक्स करना है जब तक कि शुगर अच्छे से डिसॉल्व ना हो जाए। ये देखिए शुगर डिसॉल्व हो गया है। अब हम इसमें डाल देंगे 2 ड्रॉप येलो फूड कलर। ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास ना हो तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। इससे केक का कलर बहुत ही अच्छा सा आता है। और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे ड्राई इंग्रेडिएंट्स। तो इसके लिए सबसे पहले एक छन्नी में हम लेंगे 1 कप और 1/4 कप मैदा, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा और 4 टेबलस्पून हम इसमें डालेंगे मिल्क पाउडर। ये भी ऑप्शनल है, इससे टेस्ट बढ़ जाता है केक का। तो अगर आपके पास मिल्क पाउडर है तो आप डाल सकते हैं। इसे अच्छी तरह से इस तरह से छान लेंगे ताकि सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाए। और अब हम ड्राई इंग्रेडिएंट्स को इस तरह से मिक्स करेंगे बटर मिल्क और ऑयल शुगर के मिक्सचर में। तो ये देखिए सारी चीज़ अच्छे से मिक्स हो गई है। थोड़ा सा थिक है बैटर तो हम इसमें डाल देंगे 3 से 4 टेबलस्पून दूध और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। धीरे धीरे हमें मिक्स करना है एक ही डायरेक्शन में ताकि जो बैटर है वो लाइट और एयरी बने। इससे केक भी हमारा स्पंजी बनेगा। ये देखिए बैटर हमारा बिल्कुल स्मूथ हो गया है, परफेक्ट बैटर है, इसमें लंप नहीं है बिल्कुल भी। अब हम क्या करेंगे, इस बैटर को हम ट्रांसफ़र कर लेंगे ग्रीस किए हुए केक टिन में।
केक टिन को हमें पहले से ग्रीस करके रखना है। जैसे ही बैटर हमारा बन जाए केक टिन में हम उसे ट्रांसफ़र कर लेंगे और इसे बेक होने के लिए रखेंगे। इसे टैप कर लेते हैं ताकि इसमें कोई एयर बबल हो तो वो निकल जाए। इधर मैंने एक पैन को भी प्रीहीट कर लिया है। केक को मैं पैन में बेक करूँगी। 10 मिनट के लिए मैंने मीडियम फ्लेम पर पैन को प्रीहीट कर लिया है और केक टिन को अब हम इसमें रख देंगे और इसे कवर करके हम लो मीडियम फ्लेम पर 35 से 40 मिनट के लिए बेक करेंगे। अगर आप ओवन में बेक करना चाहें तो इसे बेक कर सकते हैं 35 मिनट के लिए 180 डिग्री पर। ये देखिए 35 मिनट के बाद हमारा जो केक है ये इस तरह का हो गया है, फूल भी चुका है और देखने में काफ़ी सुंदर लग रहा है। एक बार इसे नाइफ से चेक कर लेंगे, नाइफ इंसर्ट करेंगे सेंटर में। ये देखिए नाइफ क्लीन है, मतलब हमारा केक अच्छी तरह से बेक हो गया है। अब हम इसे ठंडा होने देंगे। केक को डेकोरेट करने के लिए अब हम बनाएंगे व्हिप्ड क्रीम फ्रॉस्टिंग। यहाँ मैंने चिल्ड व्हिपिंग क्रीम ली है, ये क्रीम बेल की व्हिपिंग क्रीम है। और अब हम एक कप व्हिपिंग क्रीम लेंगे एक बोल में और इसे हम बीटर से बीट करेंगे 5 से 8 मिनट तक मीडियम स्पीड में। 5 से 8 मिनट में ये क्रीम ये व्हिप होकर डबल वॉल्यूम में हो जाएगी, स्टिफ पीक्स भी आ जाएंगे, तब तक हम इसे बीट करेंगे। आप देख सकते हैं ये क्रीम वॉल्यूम में डबल हो गई है। अगर हम स्टिफ पीक्स आने तक बीट करेंगे ना तो हमारी क्रीम बहुत अच्छे से सेट होगी केक के ऊपर में। ये देखिए स्टिफ पीक्स भी आ गए हैं, आप देख सकते हैं। इसी तरह से हमें क्रीम को बीट करना है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें हम डाल देंगे कुछ बूंदें बटर स्कॉच एसेंस की। इस व्हिपिंग क्रीम में पहले से शुगर एडेड है तो हम शुगर ऐड नहीं करेंगे इसमें, बस हम फ्लेवर के लिए बटर स्कॉच एसेंस ऐड करेंगे और इसे एक बार और बीट कर लेंगे ताकि जो एसेंस है वो क्रीम में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। तो बस हमारी व्हिप्ड क्रीम बिल्कुल रेडी है। इसे हम करीब 30 मिनट के लिए रख देंगे फ्रिज में ताकि ये सेट हो जाए और इसके बाद हम इससे फ्रॉस्टिंग करेंगे। जब हम फ्रॉस्टिंग करें तो केक और व्हिप्ड क्रीम दोनों ठंडी होनी चाहिए। ये देखिए हमारा जो केक है बिल्कुल ठंडा हो चुका है। जब ये केक बिल्कुल ठंडा हो जाए तो अब हम इसे केक टिन से निकालेंगे। पहले हम इसे नाइफ से अलग कर लेते हैं। अब हम केक को केक टिन से निकाल लेते हैं। तो ये देखिए बटर पेपर निकाल लेंगे। बहुत ही स्पंजी और सॉफ्ट केक हमारा बनकर रेडी हुआ है, आप देख सकते हैं। ये देखिए देखने में काफ़ी सुंदर लग रहा है हमारा स्पंज केक। अब हम क्या करेंगे, स्पंज केक का जो ऊपर का अनइवन लेयर है इसे हम ट्रिम करके अलग कर लेंगे। ये देखिए आप देख सकते हैं इसके अंदर का टेक्सचर बहुत ही सॉफ्ट और स्पंजी केक बना है। और अब हम क्या करेंगे, स्पंज केक को हम दो लेयर में डिवाइड कर लेंगे। आप चाहें तो इसे तीन लेयर में भी डिवाइड कर सकते हैं। तो ये देखिए मैंने दो बराबर लेयर में इसे डिवाइड कर लिया है। और आइए अब हम केक को असेंबल करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने एक टर्न टेबल पर इस तरह से केक बोर्ड रख लिया है और उस पर हम लगाएंगे थोड़ी सी क्रीम। अगर आपके पास केक बोर्ड ना हो तो आप प्लेट में भी केक को असेंबल कर सकते हैं। इसके ऊपर हम केक का फर्स्ट लेयर रख देंगे और इसे हम सोक करेंगे शुगर सिरप से। मैंने 2 टेबलस्पून चीनी को 1/4 कप पानी में डिज़ोल्व कर लिया है और इस शुगर सिरप से हम इस तरह से केक को सोक करेंगे। इससे केक हमारा सॉफ्ट और मॉइस्ट बना रहता है बहुत देर तक। जब फर्स्ट लेयर सोक हो जाए तो इसके ऊपर हम डालेंगे व्हिप्ड क्रीम जो हमने बना कर रखी थी। थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी व्हिप्ड क्रीम डालेंगे और इसे अच्छी तरह से स्प्रेड कर लेंगे केक के लेयर के ऊपर में। ये देखिए जब क्रीम अच्छे से स्प्रेड हो जाए तो अब हम इसके ऊपर डाल देंगे थोड़ी सी प्रलाइन जो हमने बना कर रखी थी। इसके ऊपर हम रख देंगे केक का दूसरा लेयर और इसे थोड़ा सा जेंटली प्रेस कर देंगे और इसे भी हम शुगर सिरप से सोक कर लेंगे। और अब हम क्या करेंगे, क्रीम इसके ऊपर हम इस तरह से स्प्रेड करेंगे। ये देखिए अब हमें केक को पूरी तरह से क्रीम से कवर करना है। तो ये देखिए टॉप हमने कवर कर दिया। अब केक को साइड में भी क्रीम से कवर कर देंगे इस तरह से स्पैचुला की सहायता से। इस तरह से आसानी से हम क्रीम को केक के साइड्स में लगा सकते हैं। ये देखिए काफ़ी इजी है ये। ये देखिए इस तरह से केक के साइड्स को भी मैंने पूरी तरह से क्रीम से कवर कर दिया है और इसे इस तरह से स्मूथ कर लेंगे। ये देखिए केक का साइड बिल्कुल स्मूथ हो गया है। अब हम एक कार्ड की सहायता से इस तरह से
केक को स्मूथ कर लेंगे और इस केक के टॉप में जो क्रीम है उसे भी स्मूथ कर लेंगे। तो बस ये देखिए हमारा जो बटरस्कॉच केक है ये बिल्कुल रेडी है। तो ये देखिए केक हमारा कुछ इस तरह का हो गया है। अब हम साइड में जो क्रीम है उसे क्लीन कर लेंगे। अब हमने जो प्रलाइन क्रश करके रखी थी उससे हम केक को इस तरह से डेकोरेट कर लेंगे। केक को पूरी तरह से कवर कर देंगे इस प्रलाइन से। तो ये देखिए मैंने इस तरह से केक को ऊपर में कवर कर दिया है प्रलाइन से। अब हम केक के साइड्स में भी प्रलाइन को इस तरह से छिड़क देंगे। ये देखिए केक बोर्ड को थोड़ा सा हम इस तरह से टिल्ट करेंगे और इस तरह से हम प्रलाइन से पूरी तरह से केक को कवर कर देंगे। दोस्तों ये देखिए हमारा बटरस्कॉच केक बिल्कुल रेडी है। तो देखा ना आपने, बिल्कुल आसानी से हमने ये बटरस्कॉच केक बना लिया है। एकदम आसान है इसे डेकोरेट करना और इसे बनाना। आपको मैं इसे कट करके इसके अंदर दिखाती हूँ, इसका अंदर का टेक्सचर। ये देखिए एकदम बेकरी जैसा, एकदम सुपर्ब हमारा बटरस्कॉच केक बनकर तैयार हुआ है। आप देख सकते हैं कितना सुंदर लग रहा है देखने में, लग रहा है ना एकदम बेकरी जैसा। तो देखिए बहुत ही सॉफ्ट स्पंजी टेस्टी केक हमारा बनकर रेडी हुआ है। आई होप ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी, है ना काफ़ी इजी रेसिपी। तो दोस्तों इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। तो दोस्तों आई होप ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। आप केक को इस तरह से प्लेन भी रख सकते हैं। आप चाहें तो इस केक को और भी ज़्यादा डेकोरेट कर सकते हैं। अगर आपके पास पाइपिंग बैग है और स्टार नॉजल है तो उसमें आप क्रीम भरकर इस तरह से उसके ऊपर फ्लावर्स का डिज़ाइन भी बना सकते हैं। आप देख सकते हैं ये भी काफ़ी ब्यूटीफुल लग रहा है देखने में। इस तरह से छोटे छोटे फ्लावर डिज़ाइन हम केक के साइड में भी बना देंगे, इससे केक हमारा देखने में काफ़ी सुंदर लगने लगता है। तो ये देखिए हमारा ब्यूटीफुल सा बटरस्कॉच केक रेडी है। लग रहा है ना बिल्कुल बेकरी जैसा बटरस्कॉच केक। ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट देकर ज़रूर बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो दोस्तों मिलते हैं मेरी ऐसी ही एक आसान सी और इंटरेस्टिंग सी रेसिपी के साथ मेरे अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।